हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं GN मेडिकल चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग खुजली से परेशान हैं, फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं और बहुत खुजली रहती है, लगातार खुजली है, रात भर खुजियाते रहते हैं, परेशान हो गए हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं? तो दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार कैप्सूल लेकर आया हूँ जिसका नाम है कैंडी फोर्स 100 mg कैप्सूल। इसका दोस्तों कैंडी फोर्स 200 mg में भी आता है, ये 100 mg में है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि इससे किस किस तरीके की खुजली ठीक हो सकती है या फंगल इन्फेक्शन को ये कैसे ठीक करता है, इसके अलावा किस किस तरीके की बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा डोज कितनी लेना चाहिए इसकी, यानी खुराक क्या कितनी ले सकते हैं और इसको लेने के बाद नुकसान क्या क्या दिखाई दे सकते हैं आपकी बॉडी में, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कैंडी फोर्स 100 mg कैप्सूल की जानकारी सभी को हासिल हो सके। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, सबसे पहले इस कैप्सूल के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि इसको किस किस तरीके की बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये कैंडी फोर्स 100 mg में कैप्सूल है, इसमें इट्राकोनाजोल को रखा गया है और ये दोस्तों एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो कि फंगल को ट्रीट करने के लिए बहुत ही शानदार होती है। यानी फंगल इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी हुआ है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा इसका पहले ही कैप्सूल में। और परेशान हो गए हैं, बहुत फंगल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, खुजली होती है और खुजियाते रहते हैं, दिन रात परेशान हो गए हैं, खुजियाते खुजियाते इतनी खुजली हो गई है फंगल इन्फेक्शन वाली, तो आप इसका एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा इस कैप्सूल से। इसके अलावा दोस्तों, नेल्स में कई सारे लोगों के नेल्स में फंगस हो जाती है, उसमें इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। ये स्किन पे पूरी बॉडी में कहीं पर भी अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, फंगस वाला इन्फेक्शन हुआ है, तो आप ज़रूर एक बार इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा इस कैंडी फोर्स 100 mg वाले कैप्सूल से। इसके अलावा माउथ में या थ्रोट में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, मतलब कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये दोस्तों इस कैप्सूल के फ़ायदे थे कि किस किस तरीके के फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें इसकी डोज़ के बारे में, तो एडल्ट्स में इसका एक कैप्सूल 24 घंटे में इस्तेमाल करें अगर आपको कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है बॉडी पर, 24 घंटे में एक कैप्सूल का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपके जो भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों में इसका ऐसे इस्तेमाल ना कराएं, पहले हमसे मशवरा लें या अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, तभी इसका इस्तेमाल कराएं। एडल्ट्स में 24 घंटे में एक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, इसको लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको नोज़िया हो सकता है, फीलिंग आएगी कि वॉमिटिंग होने वाली है, यह वॉमिटिंग हो भी सकती है। इसके अलावा लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेडेक हो सकता है, यानी सर में दर्द रह सकता है, या इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका पेट भारी भारी रह सकता है, तो लंबे समय तक भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये दोस्तों इसके फ़ायदे थे, डोज़ के बारे में बात हो गई, किस किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। बात करें प्राइस की, तो दोस्तों 83 रुपये MRP है और 7 कैप्सूल हैं, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर कैंडी फोर्स 100 mg के नाम से मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरीके की कोई भी बीमारी हुई है फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो आप इसका एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें और आप कहीं से भी इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये दोस्तों कैंडी फोर्स 100 mg कैप्सूल के बारे में ओवरऑल पूरी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।